फ्रेंड्स, आज का हमारा सिलसिलावार लेक्चर है एक्सरसाइज 6.2 और 8.2। होप कि आप इतनी ठंड में सब खैरियत से होंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थोड़ा सा बिहाइंड द सीन कंसेप्ट चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर 3D में दिया हुआ है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। ए का साया बी पर क्या होगा? तो यहां पर देखें, अगर मैं ये वेक्टर ए लेता हूं और ए वेक्टर को इंक्लाइंड है थीटा। अब यहां पर सन है, फर्ज कर लें, तो इसका वो कंपोनेंट जो इसके अराउंड होगा, क्योंकि जो तो वेक्टर एक्स एक्सिस में ज़ाविया थीटा बनाता है उसके ना तो एक्स कंपोनेंट होते हैं ना ही वाई होते हैं। जबकि अगर वो एक डिग्री भी सतह के साथ बना ले तो उसके दोनों कंपोनेंट बन जाते हैं। अब इसका वो कंपोनेंट, यानी अगर ये वेक्टर यूं है, यहाँ पर बल्ब रख लें, सूरज रख लें, तो इसकी रोशनी, इसका जो प्रोजेक्शन इसके अलोंग जनरेट करेगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो अब यहां पर वो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वो ये होगा ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब ए अलोंग बी है तो बी के अलोंग क्या होगा? बी का मैग्नीट्यूड। और अगर बी और बी अलोंग ए तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर ओवर ए की मैग्नीट्यूड। यानी दूसरे लफ्जों में भी यूं कर लें कि ये फिर ए नहीं होगा, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। दोनों के रोटेशन को चेंज कर देंगे। ये है थोड़ी सी थ्योरी जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में होनी है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर आप गिवन वेक्टर वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये बराबर होगा 2i-3j+4k इंटू 2j+4k। अब यहाँ पर ए कंपोनेंट नहीं दिया हुआ, वो पहले लिख लें फिर मल्टीप्लिकेशन करें। तो 0i 2j 4k। तो लें 2 into 0 i dot i, फिर प्लस -3 into 2 j dot j, प्लस 4 into 4 k dot k, ये हो जाएगा 0 into 1 प्लस -6 into 1 16 into 1। अब ये 0 - 6 + 16 तो ये आ जाएगा 10। अब ए डॉट ए, अब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी हो जाएगा ए
स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 16 इक्वल्स टू 20। अब 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाता है 5। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, ए डॉट बी जो है वो हमने निकाला 10 ओवर इसकी प्रोजेक्शन जो है वो 2 इंटू 5 अंडर रूट 2 5 ज़ा 10 5 ओवर 5 अंडर रूट यूनिट्स। अब देखिए इस ऊपर वाले 5 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, फिर नीचे 5 अंडर रूट। अब स्क्वायर को दो दफा लिख लो, 5 अंडर रूट इंटू 5 अंडर रूट ओवर 5, ये से कैंसिल हो गया 5 अंडर रूट यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।